नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन के इस सेशन सवाल आपके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ये सेशन कुछ नए अंदाज में है, मैं आपके सवाल पूछूंगी आपकी तरफ से। आज हम बात करेंगे कि मीडिया को कैसे स्टार्ट किया जाए। एक बहुत बड़ा पैशन होता है, लोग जर्नलिज्म में आना चाहते हैं, बहुत सारे साधन है, लेकिन सही तरीका समझ में नहीं आता। तो हम आज इसी विषय पर कि एक मीडिया हाउस या फिर एक छोटा सा मीडिया स्टार्ट कैसे करें और उसके लीगल कंप्लायंसेस क्या होते हैं, किस तरह सही, उस विषय पर बात करेंगे। और उन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं लीड इंडिया के चेयरमैन और दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट श्री सुभाष सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम, एक बार फिर से आपने बुलाया, थैंक यू सो मच। आज हम बात करेंगे वो जो बहुत ज्यादा जिसमें रुचि है पाठकों की, वो जानना चाहते हैं, देखते हैं कि टीवी पर किस तरह से लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं अपनी चीजों की या कवरेज कर रहे हैं, तो एक तरीके से हीरो दिखाई देते हैं। तो जो युवा हैं वो आना चाहते हैं, तो सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं कि उन्हें एंट्री कैसे करनी चाहिए। अगर कोई मीडिया में आना चाहता है तो क्या पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे? देखिए, मैंने जब मीडिया में अपना करियर, अब तो मैं पूरी तरह से लीगल फील्ड में हूँ, जब मैंने मीडिया का करियर अपना शुरू किया था आज से 15-20 साल पहले, तो मुझे बड़ा क्रेज होता था टीवी पे पत्रकारों को देख करके कि वो संसद भवन में जा रहे हैं, संसद भवन की खबरों को कवर कर रहे हैं, तो एडमिशन लेने के लिए बहुत मारामारी होती थी, है ना, और बहुत मुश्किल से अच्छे रेपुटेड जगह पे एडमिशन लेना बहुत ही मुश्किल होता था। तो एक ड्रीम था कि हम भी एक देश के बड़े पत्रकार बने, और जैसे ये मंत्री लोग जाते हैं या कोई घटना घटती है तो ऑन स्पॉट जाएं और उसको अपनी आंखों से देखें और देख के उसको कवरेज करें और दुनिया को बताएं, तो बहुत खुश नसीब होंगे। हालांकि उस समय से आज के समय में क्रेडिबिलिटी भी कम हुई है मीडिया की, और जो युवाओं में रुझान था उसमें भी कमी आई है। लेकिन फिर भी ऐसे युवा जो आज भी मीडिया में आना चाहते हैं, सचमुच वो हीरो हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है कि अगर आप मीडिया में आते हो और आ करके आप कुछ अच्छा करते हो तो केवल आप जॉब नहीं करोगे, करियर नहीं बनाओगे, आप इस देश को भी बनाने में बहुत मदद करोगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो जिस भी युवा को या किसी व्यक्ति को मीडिया में आना है, तो सबसे पहली बात तो उनको यह समझना है कि आप ये जो काम करने के लिए जा रहे हैं वो देश के लिए करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, जिसके अंदर आप फिनेंशियली हो सकता है उतना मजबूत ना हो पाए, जिसमें आपके बहुत साहस की जरूरत पड़ेगी, जिसमें आपको बहुत मजबूती से खड़े होने की जरूरत पड़ेगी, जिसमें आपको हो सकता है जैसे मीडिया को लोग गाली दे देते हैं, आपको कोई गाली भी दे दे, फिर भी इरादे के साथ, मजबूत इरादे के साथ काम करना पड़ेगा। तो जो भी व्यक्ति ऐसे इरादों वाले हैं और जो देश से प्यार करते हैं, वो सभी लोग मीडिया में आ सकते हैं, और उसके लिए जरूरी है पहले तो ये हौसला। ये तो हौसला हो गया। पढ़ाई, बीजेएमसी, ये सब करना जरूरी है या बिना पढ़े भी आ सकते हैं? और आपके बताए दो तरीके से, अब जब समय बदला है तो दो तरीके से लोग मीडिया में आ सकते हैं। पहले जो मीडिया में आते थे, पहले पढ़ाई करते थे और किसी बड़े चैनल में जा करके और उसमें अपने नौकरी की तलाश करते थे और नौकरी करते थे। अब तो बड़े चैनल वाले बड़े पत्रकार खुद अपना यूट्यूब चला रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या है कि आप भी चला सकते हैं यूट्यूब, आप भी कवरेज कर सकते हैं, आप भी यूपी का इलेक्शन हो रहा है तो आप भी जाओ कवर करो, आप भी लोगों के मन की बात जानो और अपने यूट्यूब के माध्यम से दिखाओ। तो उसके लिए आपके पास ज्ञान होना चाहिए, आप सवाल क्या पूछेंगे, कैसे पूछेंगे। अगर आपको लगता है 12वीं पास किया है लेकिन ज्ञान पूरा है आपको, आप सोशल प्रॉब्लम्स को समझते हैं, लोगों के प्रॉब्लम्स को समझते हैं, तो आप अभी ही कर सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं अभी पढ़ाई का समय है तो ग्रेजुएट होके करिए, तो किसी भी स्टेज पे कर सकते हैं और किसी भी स्टेज पे शुरू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने खुद अपने अखबार रजिस्टर्ड कराए, मुझे याद है आरएनआई के किस तरह से फॉर्म भर के जाते थे, डीसीपी लाइसेंसिंग ऑफिस जाते थे, तो फिर वो प्रोसेस एक बार बताइए, क्योंकि आरएनआई के बारे में बताता हूँ। तो अखबार शुरू करने के लिए जो है वो एक तो होता है कि अगर आप अखबार शुरू करना चाहते हैं तो आपका अखबार का पहले नाम अप्रूव होता है, नाम एक बार अप्रूव हो गया उसके बाद से उसको हम आरएनआई में रजिस्टर्ड कराते हैं, एक लंबा प्रोसेस होता है, अभी के समय में ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस हो गया है। तो जब आपको टाइटल रजिस्टर्ड हो जाता है उसके बाद से आपको पूरी अथॉरिटी मिल जाती है कि आप अपने अखबार को फुल फ्लेज्ड चला सकते हैं, लेकिन रजिस्टर्ड करा लेना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती, उसके बाद से अखबार को चलाना और उसकी कॉपी को छपवाना, उसकी कॉपी जमा कराना आरएनआई में अपने आप में बहुत ही बड़ा चैलेंज है।
अगर आपके पास पैसा है तभी आप करा सकते हैं, क्योंकि इनकम आज की डेट में उतनी है नहीं। अखबार का इनकम केवल और केवल एडवर्टीजमेंट है। अगर एडवर्टीजमेंट मिल रहा है, सरकारी एडवर्टीजमेंट, अखबार आपका पुराना होगा तब मिलेगा, और आपका सर्कुलेशन इतना सफिशियंट होगा तब मिलेगा। प्राइवेट एडवर्टीजमेंट का भी हाल यही है। तो आजकल युवाओं के लिए जो सबसे अच्छा, अगर वो मीडिया में आना चाहते हैं तो अपनी शुरुआत सोशल मीडिया से करें, यानी कि वो फेसबुक पे, यूट्यूब पे, है ना, इंस्टाग्राम पे, इन पे वीडियोस के साथ शुरुआत करें और ऐसे मुद्दे को उठाएं जो कि वायरल होने लायक हो, ऐसे मुद्दे को उठाएं जो लोगों तक ज्यादा पहुंचे। लेकिन आपको जरूरी है कि उसके पहले एक फॉर्मल मीडिया के शक्ल ले लें, जो हमारे दूसरे आपको कोई मिलेगा या आगे भी मैं बताऊंगा कि आपको कैसे कर सकते। तो बेहतर तो ये होगा ना कि आप बता रहे हैं कि वो सोशल मीडिया से स्टार्ट करें, वेबसाइट बनाएं, यूट्यूब बनाएं, उसके माध्यम से। तो लेकिन समस्या तो फिर से वही खड़ी होगी कि अगर कुछ भी छोटा सा वेंचर स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक पूंजी लगती है। पूंजी एक समय के लिए कलेक्ट करके लगा ली, तो उसे सस्टेन करने के कुछ टेक्निक्स, जैसे आपने एक मीडिया हाउस बहुत सक्सेसफुली रन किया हुआ है और अभी भी चल रहा है, तो आप उसको किस, क्या टिप्स देंगे इन्हें कि कैसे? सबसे पहला चीज कि आपको एक नाम सोचना है, नाम को MSME रजिस्ट्रेशन करा लेना है, कोई पैसा नहीं लेगा, 1,000-2,000 में हो जाएगा, ठीक है जी। ठीक है, उसके बाद से आपको अपने फोन से कवरेज स्टार्ट करना है, ठीक है। और कवरेज स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लगे कि जरूरत है तो आपको लीड इंडिया से बात करके फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, उसमें 11,000 रुपए लगता है केवल। 11,000 से ये हो जाएगा कि आपको, मतलब ये 20,000 के अंदर आपका फोन तो आपके पास ऑलरेडी होगा, आपका काम स्टार्ट हो गया। अब 20,000 में तो काम भले ही स्टार्ट हो गया, अब वीडियो ऐसा बनाए, वीडियो ऐसा कवर करें कि 20,00,000 लोग देखें। अगर 20,00,000 लोगों ने देख लिया उस वीडियो को, तो आप ये समझ लीजिए कि भाई आपका 20,000 जो है 1,00,000 कमा के दे सकता है। तो दो फायदा हो गया, पहला तो आपने पैसे जो लगाए वो पैसे उससे 5 गुना ज्यादा कमा लिए, और दूसरा फायदा ये हो गया कि आप बड़े चर्चित भी हो गए, क्योंकि इतने लोगों ने आपके वीडियो को देखा, है ना, अपने क्षेत्र में फेमस हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आपने फ्रेंचाइजी के बारे में बताया सर, थोड़ा सा अगर और एक्सपेंड करके बताएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा उन्हें, आपके शब्दों में बहुत अच्छा लगेगा कि फ्रेंचाइजी क्या है और कैसे ले सकते हैं आप। देखिए ऐसा है, लीड इंडिया फ्रेंचाइजी की शुरुआत ऐसे हुई थी कि हमारे पास कई सारे ऐसे रिपोर्टर्स आते थे, स्ट्रिंगर्स आते थे, और वो लोग कहा करते थे कि हमें तो जो है ना इंडिपेंडेंट होके काम करना है, आप हमें अथॉरिटी दे दो ताकि हम इंडिपेंडेंट होके काम करें, हम अपने हुनर को खुद दिखा सकें, हम किसी के अंडर में रहकर ना काम करें। तब से फ्रेंचाइजी की शुरुआत हुई, और उस फ्रेंचाइजी में ये होता है कि आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पे जो वीडियो में डिस्प्ले हो रहा होगा इस पे आप बात कर लें, बात करके हमारे प्रतिनिधि फोन जो उठाएंगे आप उनसे बात करें, बात करके डिस्कस कर लें, आपको सब कुछ वो प्रोसेस बता देंगे, सारा डॉक्यूमेंटेशन कर लेंगे, उसके बाद से आपको फ्रेंचाइजी मिल जाएगा और आप काम शुरू कर सकते हैं। तो किस क्राइटेरिया के आधार पर आप फ्रेंचाइजीशिप को चुनते हैं कि हमें इनको फ्रेंचाइजी देना? एक जिले में एक ही फ्रेंचाइजी होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि देश में जितने जिले हैं, अगर आपके जिले में आप अकेले रहोगे, आप सोचो कितनी बड़ी बात है, केवल 11,000 पे किया है और आप पूरे जिले में अकेले लीड इंडिया के फ्रेंचाइजी हैं, अथॉरिटी है ना भाई, तो ये आपको अकेले मिल रहा है, अकेले आपको जो है। प्रेस कार्ड का भी कोई क्राइटेरिया नहीं है, कितने जाने हैं? नहीं 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 नहीं, प्रेस कार्ड के क्राइटेरिया है, अथॉरिटी लेटर हमने दे दिया, प्रेस आई कार्ड जिसके नाम से अथॉरिटी दी है केवल वो बना सकते हैं, और इसके अलावा अगर किसी को इश्यू करना है तो हमें इन्फॉर्म करेंगे तब होगा, और हमें अपने कवरेज बताते रहेंगे तभी वो वैलिड रहती है। ऐसा नहीं है रेवरी नहीं बांट रहे हम कि भाई आओ आओ ले जाओ, ऐसा नहीं है। ये 11,000 केवल और केवल डॉक्यूमेंटेशन का फीस है, और हम चाहते हैं जो सिंसियर लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो सच में कवरेज करना चाहते हैं, उनको मदद करें, इसलिए है ये। तो कवरेज के लिए कुछ टिप्स बताइए उन्हें कि वो क्या कवर करें, किस तरह से फील्ड में जाएं और किस तरह से वो सवाल पूछें। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ कि आप किसी भी जिले को ले लो, जो मेट्रो सिटीज है उनको छोड़ दो, गांव देहात दूर के जिले को ले लो, कितने अपराध होते हैं वहां पे? होते हैं, थाने में रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, अखबार वाले कवर नहीं करते हैं। आप वहां पे हो, आपके पास फ्रेंचाइजी है, आप खोजो, आप निकालो, आप डालो वीडियो में, हम पीछे से आपको बैक करने के लिए है, आपको सपोर्ट करने के लिए है, आप देखो, आपको लोग जानेंगे भी, पहचानेंगे भी। क्राइम बीट पे वो अपने आप को, क्राइम बीट पॉलिटिक्स, मैं क्राइम नहीं कह रहा हूँ, सभी किसी भी तरीके का हो सकता है,
एक गांव में एक लड़की घर से भागी और जाकर उसने कोर्ट मैरिज कर दिया कर लिया और गांव के लोगों ने उसको उसको मार दिया। ये खबर है ना, बहुत बड़ी खबर है ना, समाज में बदलाव आना चाहिए ना। अगर वो इस वीडियो इस खबर को बनाए और तरीके से दिखाए तो सोचिए उस लड़की को कितना बड़ा न्याय मिलेगा, उसके मृत आत्मा को कितना बड़ा न्याय मिलेगा। तो उनको तो काम करना चाहिए, आपको आपका ध्येय शॉर्ट टर्म में नहीं होना चाहिए कि आज मेरे को कैसे 500 रुपए मिल जाए और कैसे, ये नहीं होना चाहिए। आपका ध्येय होना चाहिए बड़ा, आपका ध्येय होना चाहिए कैसे बड़ा आप कुछ कर सको। बिल्कुल जी, अच्छी बात बताई आपने कि कवरेज का एरिया भी कोई कन्फाइंड नहीं है, केवल आप वही खबर करेंगे जो डीपीआरओ आपको देगा, ऐसा भी नहीं है। आप खुद एक उस नजर से देखिए, खोजी नजर से देखिए। सर ने बहुत अच्छे टिप्स दिए हैं, अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, आप बहुत तरक्की करेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगी कि फिर अगर मान लीजिए कोई फ्रेंचाइजी लिए बिना भी अपना चैनल चलाता है न्यूज का और ये सब काम करता है, क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं है, तो वो क्या वो कर सकता है, लीगल है? ये बिल्कुल ठीक वैसे ही है कि आप बंदूक लेके चल रहे हैं लेकिन गोली नहीं है, है ना, लाइसेंस भी नहीं है, गोली नहीं है, लाइसेंस भी नहीं है, तो बंदूक का क्या करेंगे? वो खिलौना है, exactly. है ना, तो मोबाइल फोन तो सबके हाथ में है, तो सभी तो पत्रकार नहीं हो गए? जिसके पास अथॉरिटी है वही तो पत्रकार है। हाँ, बिल्कुल। तो इसीलिए उसकी वैल्यू है। तो फ्रेंचाइजी आप हमसे लें या जिससे भी लें, जरूरी तो है ऑथराइज होना। वैसे भी पत्रकारिता बहुत संजीदा पेशा है, आपके टिप्स मुझे लगता है बहुत अच्छे थे, बहुत काम आएंगे लोगों के। उम्मीद करते हैं ये इंटरव्यू आपके लिए यूजफुल होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।